से तुम ना मुझको देखो मर जाऊंगा, तो जाने जाना मर जाऊंगा। सारी नजरों से तुम ना मुझको देखो मर जाऊंगा, तो जाने जाना मर जाऊंगा। चांद सा चेहरा मुखड़ा गुलाबी और उस पे तेरा मुस्कुराना मर जाऊंगा, तो जाने जाना मर जाऊंगा। सारी नजरों से तुम ना मुझको देखो मर जाऊंगा, तो जाने जाना मर जाऊंगा। अली हैदर को जब मैंने लास्ट टाइम देखा था उस वक्त बिटकॉइन नहीं आया था, फोन में कैमरास भी नहीं थे और ट्विटर नहीं बना था। मैं मजाक नहीं कर रहा, हुकूमत किसी और की थी, वो आके चली भी गई और आ गई है, लेकिन अली हैदर अब मेरे सामने आए हैं। इनको लास्ट टाइम मैंने, मुझे ख्याल है कि मैंने तब देखा था जब इंटरनेट इस तरह होता था। अली वेलकम टू द शो। चलो जो भी तुमने कह लिया मैं मान लेता हूँ। कहाँ थे आप इतने अरसे से यार, जैसे और आप बूढ़े क्यों नहीं हुए? मैं बूढ़ा नहीं हो रहा यार, इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिल रही हैं, मजेदार वाली, तो थोड़ा इंसान फिट भी होता है, मोटिवेट भी होता है, और अच्छा लगता है कि एक इंडस्ट्री में आपने 30 साल 32 साल ऑलमोस्ट, बल्कि अगर मैं स्ट्रगलिंग पीरियड लगाऊँ तो 35 साल, तो उसके बाद अगर मौका मिल जाए अपनी मुल्क की नुमाइंदगी करने के लिए, तो अमेरिका कुछ अरसे के लिए चला गया था। अच्छा, वहां गए थे? और वहां गया था स्पाई। आजकल तो बताना भी थोड़ा सा जुर्म हो जाएगा, लेकिन मेरे चेहरे पे पक्का पाकिस्तानी लिखा हुआ। अच्छा, तो आप अमेरिका से जब आए आपके पास कोई खत तो नहीं था? मेरे पास खत नहीं था, लिफाफा था। खत ये तो लेके आए थे। अली मुझे बताया, आपके लास्ट जो गाना एक रिलीज हुआ था जिसका क्या नाम था? लरल्ला लाला लुलु। ये प्लीज फैमिली शो है भाई साहब, वो आपके लिए बनाया था। अच्छा, नहीं नहीं, मैं नीलम आपसे जल्दी से एक सवाल पूछूंगा, अली हैदर के बैंड का नाम क्या था? मैं तो अली हैदर को ही जानती हूँ बहुत अच्छे से। आई डोंट नो बैंड का नाम, मुझे, मैं तो गानों में बहुत ही बुरी हूँ। सही जवाब, इनका बैंड था ही नहीं। जबरदस्त। म्यूजिक वीडियो का आगे कोई प्लान है? लड़कियां लेफ्ट राइट बैठी हुई है यार। आप उसकी बात है कि अब वक्त भी इतना हो गया है और सारी चीजें इतनी है कि अब जो हमारे दौर के लोग हैं, मैं उनको जब देखता हूं तो मेरे चेहरे खिल उठते हैं, बाकी तो मुझे सब या तो अपनी बेटियां ही लगती हैं। मैं सीधी सीधी बात बता रहा हूं, मुझे तो जितने को भी मैं देखता हूं, ऑल ऑफ देम आर माय बेटीज, एंड आई एम प्राउड टू से दिस कि जितने अरसे पहले मैंने काम किया है, आप तो बहुत बाद में। नहीं, यही बात मुझे ऐसा अंदर कह रहा था, ये सब बेटियां लगती हैं मुझे, ये बात और ही बोलनी चाहिए। अच्छा निदा, ऑब्वियसली बात है, आप माशाल्लाह जितना बेहतर आप यासिर को जानती हैं, शायद ही कोई इनके मोबाइल में हो जो उनको ऐसे जानती हो। मैं ये जानना चाहूंगा कि इनकी सबसे क्यूट हरकत क्या है? ये सबसे क्यूट हरकत क्या है? मेरा मोहब्बत की, अच्छा फिर तो बढ़िया गया। मैं इनके शो पे गया था, इन्होंने मुझे एक बात बताई थी। क्या? अगर यासिर मुझे मारे नहीं तो मैं बता देता हूं। इन्होंने कहा मेरा मियां जो है वो शूट पे गया हुआ है छोटी छोटी लड़कियों के साथ। एक दिन मेरी आंख खुली तो यासर नींद में बिस्तर पे खड़ा हुआ था और मुझे डर था कि ये गिर ना जाए, प्रॉमिस अल्लाह बंदर बताए, पूरा बताए क्या हुआ था भाई, शुरू कहां से हुआ था ये प्लीज वी वांट टू नो, वी वांट टू नो। आप खोली तो यासर नींद में था, फिल्म का इतना काम प्रेशर सब था, तो इंसान स्ट्रेस में, मैं झूठ नहीं बोली, सच बोली। फिल्म पे डाले ठीक है, आगे चलो। अब अपनी बारी में बोलिए। सो यार मैंने देखा, एकदम आंख खोली, मैंने कहा शायद ख्वाब तो नहीं देख रही क्या, तो मैंने कहा यासर खड़ा हुआ क्यों है, फिर मैं नींद में था उस वक्त, फिर मैंने इसको, मैं खुद खड़ी हुई बिस्तर पे, मैंने इसको बिठाया क्योंकि मुझे डर तो ये था अगर गलती से मेरे ऊपर गिर गया तो मैं तो गई। और ये क्या करती नींद में? ये नींद हंसती है, मैं बैठा हुआ मोबाइल पे रात को लेट नाइट, एक हंसने ही आ रहे मैं ये कौन सा नींद है भाई जान, ये मजाक नहीं कर रहा मैं, नींद हंसती है। क्या हुआ
मुझे लग रहा है मैं डॉक्टर फिल हूँ और मैं एक मैरिज काउंसलर शो कर रहा हूँ कि ये करता है ये करता है। लेकिन आपने बात तो बताई है, माशाल्लाह क्यूट हरकतें करते हैं, नींद में करते हैं, इसे कभी पकड़े भी जाते कहते मैं नींद में था। नहीं, मुझे टेंशन होती है कि मैं सुबह पूछ जब बोलते रात को बहुत बोल रहे थे नींद में, मैं क्या बोल रहा था, मैं कुछ बोल रहे थे, मैं बोल क्या रहा था मैं? अच्छा, इतना तेज बोलता है यासर कि मैं नींद में भी नहीं पकड़ सकती, बोला इतना तेज बोलते। सर आप नींद में हेर होते हैं देर होते हैं? दोनों तरफ हेर और देर। बहुत क्या बात है, सॉरी आप नींद में कुछ नहीं, आप होती नहीं है, आप होती नहीं, आप जाती रहती है, जारी बात है। आप तो नहीं नींद में कोई ऐसी, मुझे कभी मेरे घर वालों ने ऐसा कोई मसला नहीं बताया। एब्सोल्युटली नॉट। आप डेड स्लीपर है, डेड स्लीपर।